आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से अब एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की। तो देख रहे हैं कि आज मत्स्य सीड का अक्टूबर वायदा 8,622 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 0.1% की तेजी के साथ, और रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1,328 पर है 1% की तेजी बनती हुई नजर आई है, और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 6,330 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.25% की तेजी के साथ। हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड के अंदर यानी सरसों के अंदर जो हमने 8,800-8,900 तक के लेवल आते हुए देखे थे, अब वो लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सरसों की कीमतों में हाजिर बाजार में NCDX पर ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है, ऊपरी स्तर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सरसों है उसकी कीमतें थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई हैं। लेकिन जो नरमी है इतनी देखने को नहीं मिली है कि जो मार्केट है एकदम से क्रैश कर जाए या फिर निचले यानी कि लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए। जो खाद्य तेलों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट दे रही है इस समय वो सरसों ही है यानी कि मस्टर्ड सीड ही है। मस्टर्ड सीड में कंसिस्टेंसी के साथ हमने एक तेजी आती हुई देखी है, ऐसा नहीं हुआ है कि ग्वार गम और ग्वार सीड की तरह मस्टर्ड सीड की यानी सरसों की जो कीमतें एकदम से उछाल मार रही हैं। अगर तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी बनते नजर आ रही है, लेकिन इतनी देखने को नहीं मिल रही है और ना ही ओवरबॉट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मस्टर्ड सीड का जो वायदा बाजार है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ तेजी के साथ ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरसों की कीमतों में 9,000 तक के भी लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से सरसों की जो स्टॉक है अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, 5 से 6 महीने का समय है अभी सरसों आने में और किसानों ने अपनी सरसों रोक के रखी हुई है, धीरे धीरे मंडियों में लेकर आ रहे हैं जिससे कि मंडियों में आवक भी कम देखने को मिल रही है। डेली खपत के मुकाबले जितनी पूरे देश में खपत होती उसके हिसाब से पूरे देश में दैनिक आवक काफ़ी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों में तेजी बनती हुई नज़र आ सकती है। और इसी का नतीजा है कि जो सरसों तेल है वो महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सरकार ने अभी वनस्पति तेलों के आयात शुल्क में कटौती की है, जिसका असर भी खाद्य तेलों के बाज़ार पर पड़ता हुआ नज़र ज़रूर आया है, लेकिन जो सप्लाई है इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ से CPO की वो भी तेज होती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से CPO का बाज़ार भी कहीं ना कहीं लुढ़कता हुआ नज़र आया था। और देख रहे हैं कि आज रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में एक हल्की सी बढ़त बनती हुई नज़र आई है, कह सकते हैं इसको निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि फंडामेंटल्स इतने कोई ज़्यादा खास सपोर्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन का भी जो वायदा बाजार है अब वो इतना सपोर्ट लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हमने पहले आते हुए देखा था कि 8,000-9,000 तक के भी लेवल सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिले थे, उस समय ये खबर नहीं निकली थी कि जो सोयाबीन की सोइंग एरिया है यानी जो रकबा है घटा है, क्योंकि बीजों की काफ़ी किल्लत थी, लेकिन किसानों ने महंगा बीज खरीद कर भी सोइंग करी है, रकबा बढ़ा है और अब सोयाबीन की बुआई जो है वो पिछले साल के रिकॉर्ड लेवल पर ही देखने को मिल पाएगी, तो जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में अभी एक नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है और विदेशों के अंदर भी सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है और उस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, कि एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं किस कृषि फसल के अंदर आगे जाके क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, नमस्कार।